नमस्कार, स्वागत है आपका महाकाल एक्सप्रेस में और मैं हूँ आपके साथ गौरव पांडे। आए डालते हैं नजर वाराणसी के रोहनिया राजा तालाब की ओर। गंदगी से फटा राजा तालाब कैसे पूरा होगा कोरोना मुक्ति का ख्वाब? कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर इस समस्या को खूब वायरल किया गया था। सोशल मीडिया में वायरल होते ही अधिकारियों की नींव खुली और साफ सफाई शुरू करा दी। राजा तालाब में कई जगह की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत देखिनी रोड के दोनों तरफ पशु अस्पताल और संगम तालाब से कीचड़ और गंदगी को बाहर निकाला गया। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बावजूद ग्राम पंचायत कचनार राजा तालाब में फैले गंदगी की सफाई को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थे। इसकी शिकायत स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने गुरुवार को ब्लॉक अधिकारियों सहित जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और मुख्यमंत्री योगी से भी मेल ट्वीट करके उसके बाद इसका असर हुआ। पंचायत की इस अनदेखी को लेकर जैसे ही मीडिया में खबर प्रकाशित हुई तो आधा दर्जन सफाई कर्मियों ने सफाई के कार्य को अंजाम दिया है। आए देखते हैं यूपी के वाराणसी से संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। बाजार में चारों तरफ गंदगियां पसरी हुई थी। यहाँ के सफाई कर्मी को कई बार कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरे मामले को मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मेल करके ट्वीट करके मैंने अवगत कराया कि कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इस तरह की गंदगियां अगर मार्केट में फैली रहेगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर है। तो इस पूरे मामले को डीएम महोदय ने गंभीरता से लेते हुए आरागी लाइन तालाब से आधा दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों को राजा तालाब में दो दिन की सफाई की ड्यूटी लगाया है। अभी सफाई हो रहा है, उसके बाद यहाँ कीटनाशक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होगा, उसके पश्चात पूरे मार्केट को सैनिटाइजर कराने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। सफाई कर्मी साथियों के पास ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे और तमाम जो सुरक्षा उपकरण नहीं है जो मेरे पास था, मैंने अपने संसाधन से ग्लव्स मुहैया कराया है। इनको गम बूट और इनको मास्क, तमाम जो सुरक्षा उपकरण है मैं अपने तरफ से इनको उपलब्ध कराने का भरोसा दिया हूं और आप लोग अपने काम को पूरी तत्परता से करें। आप कोरोना के वो वीर हैं जो आपके ही दम पे डॉक्टर और सफाई कर्मी ही कोरोना को रोकने का बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। जब तक इनको सुरक्षा उपकरण नहीं मिलेगा तब तक ये अपने काम को बखूबी नहीं निभा पाएंगे, जिसके मद्देनजर मैंने अपने तरफ से सफाई कर्मी साथियों को ग्लास उपलब्ध कराया है। अभी प्रधान से और ब्लॉक कर्मियों से बातचीत करके इनको गम बूट मास्क सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।